हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। इसे स्टॉक में देखें तो लास्ट फ्राइडे के दिन अराउंड 30 पैसे की गिरावट देखने को मिली और ये स्टॉक आधा परसेंट नीचे गिरता हुआ नजर आया। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेंड करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक के चार्ट पैटर्न पे चले तो इस स्टॉक में कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा। जहां पर देखें तो इस स्टॉक में अराउंड 1 साल में 30% की गिरावट देखने को मिल रही है और 6 महीने की बात करें तो इस स्टॉक में 6 महीने में 8% की गिरावट देखी गई है और 1 महीने में इस स्टॉक में 14% के करेक्शन देखने को मिल रही है। यानी लगातार एक ऊपरी लेवल से इस स्टॉक में भारी गिरावट होती हुई नजर आ रही है। और अगर हम इस स्टॉक का जो बॉटम बनता हुआ नजर आया शॉर्ट टर्म में, तो जैसा कि देख सकते हैं 75 रुपए के बाद में इस स्टॉक में लगातार एक बिकवाली होती हुई नजर आ रही है और इस स्टॉक का जो एक बड़ा नीचे का सपोर्ट लेवल निकल के आता है वो अराउंड 59 रुपए 58 पैसे, जहां पर ये स्टॉक उससे अराउंड 2 रुपए ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे की गिरावट दिखाता है तो इस स्टॉक में आपको और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। कि अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आप इस स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हो 59 रुपए 58 पैसे, और यहाँ से अगर इस स्टॉक में रिवर्सल देखने को मिलता है तो शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिलेंगे जो वो है 63 रुपए, और सेकेंड टारगेट 65 रुपए तक के शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिलेंगे। और इसी स्टॉक में आपको फ्रेश ब्रेकआउट जब देखने को मिलेगा, जहां पर ये स्टॉक 67 रुपए से ऊपर जाता है, तो इसी स्टॉक में आपको एक तेजी बनती हुई नजर आएगी, जहां पर ये स्टॉक 75 रुपए तक के टारगेट दिखाता हुआ नजर आएगा। और हम अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो इस स्टॉक में काफी दिनों से भारी गिरावट होती हुई नजर आ रही है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको स्टॉप लॉस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। अगर इसमें ज्यादा गिरावट होती है तो आपको इस स्टॉक में एग्जिट करने में ज्यादा प्रॉफिट है, क्योंकि लॉन्ग टर्म से इस स्टॉक में काफी निवेशक ऐसे जिन्होंने इस स्टॉक को ऊपरी लेवल पर खरीदा है और आज भी उन्हें काफी बड़ा नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।